अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबुही कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं अपनी अम्मी अपनी सास को लेकर आई हूँ आपको बताने के लिए तवे के रोट। तवे के रोट कैसे बनाएंगे आज अम्मी बताएंगी। सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मैदा 1 किलो, दैट इज़ 250 ग्राम्स। रवा 250 ग्राम्स। शक्कर नॉर्मल टेबल शुगर 250 ग्राम्स। इलायची पाउडर और ये नमक और सोडा है, खाने का सोडा। डेकोरेशन के लिए बादाम स्लिवर्ड, कोस ग्राइंडेड बादाम, ये हम थोड़े से गूंथते वक्त यूज़ करेंगे और थोड़े डेकोरेशन के लिए। घी दैट इज़ 125 ग्राम्स और दूध गुनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी दा, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मैदा। रवा 250 ग्राम। शक्कर 250 ग्राम। ये याद रखिए कि मैदा, रवा और शक्कर तीनों एक ही क्वांटिटी के होने चाहिए। अब हम ऐड करेंगे नमक, दैट इज हाफ अ टीस्पून, हाफ अ टीस्पून बेकिंग सोडा, इलायची 1.5 से 2 टीस्पून, क्रश किए हुए आमंड्स बादाम, थोड़े रख लेंगे हम बाद में डेकोरेशन के लिए। घी डालेंगे हम। अब इन सब चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मलते जाइए इन बिटवीन योर पाम्स। थोड़ा डालना, बिल्कुल थोड़ा लगता। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप गूंथते जाइए। दूध बिल्कुल दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है। देखिए हमारा आटा बिल्कुल गूंद के रेडी है। इस तरह से ये बाइंड शेप ले लेना, ऐसा शेप ले लिया तो मतलब आप समझ जाइए कि आपका रेडी है। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। दूध हमारा टोटल यूज़ हुआ है 1/2 कप, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 100 ml। तो इसको थोड़ी देर के बाद बताएंगे हम सेक के, इसका पैटी टाइप बना के सेक कर आपको बताएंगे। जी, आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, अब इसको हम पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से इट शुड होल्ड शेप, इस तरह से पैटी बना लीजिए आप। इसको हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करते जाएंगे और शेप को भी मेंटेन करेंगे।
इस तरह से, आपके पाम के साइज का होना चाहिए। अब इस पे हम लगाएंगे दूध और ज़ाफ़रान का घोल, इससे लुक भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा। इसके बाद ये स्लिवर्ड आमंड है, हाफ कट आमंड हम इस पे लगा देंगे। क्रश किए हुए बादाम स्प्रिंकल कर देंगे डेकोरेशन के लिए। देखिए ये हम चार पांच आपके लिए पैटी तैयार कर दिए रोट के। अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम सेक कर बताएंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पे आपको सेकना है। थोड़ा सा घी और थोड़ा सा घी लगा के शैलो फ्राई पे। अगर आप चाहें तो इसको सेम चीज़ को, सेम इंग्रेडिएंट, सेम मेजरमेंट और सेम मेथड से आप बनाएं, और ओटीजी में भी आप अवन में भी बना सकते। प्री हीटेड अवन पे आप रखिए फॉर 20 to 25 मिनट्स 180 डिग्रीज की टेम्परेचर पे। चलिए अब इसको मैं आपको शैलो फ्राई करके बताती हूँ। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, मीडियम आंच पे आप इसको सेक लेंगे आराम आराम से। बी वेरी जेंटल ताकि आपके टूटे नहीं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू इलायची की और ज़ाफ़रान की आ रही है इस वक्त। फ्रेंड्स मेरे रिक्वेस्ट पे अम्मी आप लोगों के लिए ये रोट बना रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और कुछ और रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल कुक, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही ईजी, मतलब छोटे बच्चे जो टीनेजर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, सब हर कोई ट्राई कर सकते, और सबको बहुत पसंद आएंगी। बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ईजी भी है, बस आप मेजरमेंट्स याद रखिए। मैदा, शक्कर और रवा तीनों 250 ग्राम्स पर करना है। दूध 100 ml और 125 ml घी। अगर आप इस साइज के बनाएंगे तो आपके 15 से 20 आराम से बन जाएंगे रोट। चलिए मैं आपको इसको फ्राई करके डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए तैयार हो गए सिक्के, तैयार हो गए हमारे रोट। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पे ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, तब हम खा सकते। तो मैं आपको इसको टेस्ट टेस्ट करके भी बताऊंगी। देखिए अब आपको मैं टेस्ट टेस्ट करके बताती हूँ। काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं, देखिए कितने क्रिस्पी बने, अंदर तक अच्छी तरह से सिक चुके हैं। यू कैन जस्ट सी ज़बरदस्त खुशबू आ रही, एंड देन आई विल जस्ट हैव वन बाइट। सिंपली ऑसम, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, ज़बरदस्त ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा बिल्कुल। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिए, सेम प्रॉपर मेजरमेंट्स लीजिए आप। जैसे जैसे इसमें बताया गया आपको 15-20 पैटी इस तरह के बन जाएंगे, आई मीन रोट बन जाएंगे आपके। एंड इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी ईटिंग एंड डू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।